खासदार अगर जितनी तत्परता अपने वोटिंग के लिए दिखाते हैं, जितनी मेहनत अपने वोट मांगने के लिए करते हैं, 5 साल अगर उनको मिला है तो पब्लिक की सेवा में भी वो 5 साल को बिताई हो। हमारा खासदार ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे कोई आने उद्योग धंधे लेके उन त्यांचं असं आहे की चाले जातात, मग आपली जनताचं काय, आपण त्यांच्या पुढे हात जोडू आणि त्यांना म्हणतो आपण हात जोडू की बा आमच्याकडे लक्ष द्या, पण त्यांचं लक्ष मात्र कोणी पण येतात पण लक्ष कुणाचं येईल। उन्होंने कितना काम किया जनता बता देगी, उन्हें सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर नजर नहीं आता है खासदार की तरफ। खासदार तुम्हाला कसा हवा है? आम्हाला आमचा खासदार विकास करणारा पाहिजे। येत्या 19 एप्रिल लोकसभा पहिल्या टप्प्याचे इलेक्शन होणार आहे, आपण रामटेक लोकसभा क्षेत्रामध्ये उभे आहोत, तर कसा असावा रामटेक क्षेत्राचा खासदार काँग्रेसचा किंवा तुम्ही म्हणा शिवसेनाचा म्हणा खासदार कसा असावा, कोण निवडून येणार आपण यांच्याकडनं जाणून घेऊया। येणारा खासदार तुम्हाला कसा हवा आहे? आम्हाला आमचा खासदार विकास करणारा पाहिजे। आमच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण मध्ये प्रचुर मात्रामध्ये निसर्गानं देण दिलेली आहे, जसं नरखेडला बघितलं तर तिथं संत्रा आहे पण तिथं संत्र्यावर काही उत्पादित असे काही उद्योगच नाही आहे। त्यानंतर आम्हाला त्याच्या बिलकुल विरुद्ध आलो रामटेक तहसीलमध्ये, तिथे पेच प्रकल्प आहे, जसा खवासा डेव्हलप आहे मध्य प्रदेशचा खवासा डेव्हलप आहे, तसा पेच आपला कर्माधारी डेव्हलप नाही आहे, आपलं जे सिल्लाडी जे गेट आहे बिलकुल डेव्हलप नाही। त्याच्यासोबत रामटेक म्हणजे जिथे प्रभू श्रीरामला अमोघ यज्ञ जे धनुष्य म्हणजे होते बाण होते ते अगस्त मुनीन दिले होते, अशा क्षेत्रामध्ये जिथे रामजी येऊन राहिले अशा क्षेत्राचा काहीच विकास नाही झाला आहे। गए उन्होंने कितना काम किया जनता बता देगी, सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर नजर नहीं आता है खासदार किधर है। खासदार अगर जितनी तत्परता अपने वोटिंग के लिए दिखाते हैं, जितनी मेहनत अपने वोट मांगने के लिए करते हैं, 5 साल अगर उनको मिला है तो पब्लिक की सेवा में भी वो 5 साल को बिताइए हो, ताकि अगले बार आपको पब्लिक के पास आने की जरूरत ना पड़े, पब्लिक आपको खुद ही बोले कि हमको ये खासदार चाहिए। जैसे हमारे IPS अन्नामलाई, वो जहां भी उन्होंने जाके काम किया है तो लोगों ने उनके ट्रांसफर होने के बाद में वहां पे आंदोलन किया है कि ये हमको IPS अधिकारी चाहिए, हमको यहां से नहीं निकालना इसको। तो अभी तक अभी कामटी क्षेत्र को या रामटेक क्षेत्र में ऐसा कोई खासदार नहीं आया जिसको पब्लिक बोले कि हमको यही खासदार चाहिए करके। जी भी अभी चैनल पे आके अपना स्पीच दीजिए और जनता को बताइए कि मैंने यहाँ पे क्या विकास किया है, ताकि लोगों को पता तो चले कि मैंने 5 साल में कितना काम किया है, हमको तो नहीं पता है। हमारा खासदार ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे कोई आने उद्योग धंधे लेके आए, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत समस्या है। खासदार कसा हवा है तुम्हें? खासदार असं हवा की जनता कडे लक्ष दिलं पाहिजे, जनताकडे लक्ष नाही आहे, काही नाही आहे, कामटीचा विकास नाही आहे, काही नाही आहे, आता येतात हात जोडतात आणि बस येऊन त्यांचं असं आहे की चाले जातात, मग आपली जनताचं काय, आपण त्यांच्या पुढे हात जोडू आणि त्यांना म्हणतो आपण हात जोडू की बा आमच्याकडे लक्ष द्या, पण त्यांचं लक्ष मात्र कोणी पण येतात पण लक्ष कुणाचंही नाही। फक्त मगर एज्युकेशन मतलब अच्छा की अच्छा, मतलब पढाई जरूर होना चाहिए, स्कूल भी अच्छा से अच्छा होना चाहिए, कहीं स्कूल में गंदगी है, कहीं साफ सफाई नहीं है, मगर स्कूल पुराना है, कभी भी कोई कोई स्कूल है ना सुधार भी आना चाहिए, उनकी उस पर भी ध्यान देना चाहिए उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में। उसके अलावा हम इतना विनती करते सरकारी स्कूल में बराबर ध्यान देना चाहिए, गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, इतना पैसे वाले तो है ही नहीं उनके पास, पैसे पढ़े को कहाँ से भरेंगे। इसीलिए नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल, यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल गुजरी बाजार चौक कांटी। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस वो भी 0% फाइनेंस पर। विजिट करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।